फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फूड आर्टिस्ट। मेरा नाम है माजिद खालिद और आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो कटलेट्स। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमने 7 से 8 मीडियम साइज के पोटैटो लिए हैं जिनको अब हम पील कर लेते हैं। पील करने के बाद इस तरह से हम पोटैटोज को रफ कटिंग में काट लेंगे। अब हम अपने पोटैटोज को बॉईल कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पोटैटोज बॉईल हो चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हमने लिया है मिंट को चॉप कर लिया है, रेड ऑनियन लिया है हमने, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून क्रश चिली। मिंट डाल देते हैं इसमें, मिंट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसमें कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं। चॉप ऑनियन डाल देंगे, चाट मसाला डाल देते हैं, क्रश चिली और ये सॉल्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम पोटैटोज को मैश कर लेते हैं। मैश बिल्कुल अच्छी तरह से करना है, कोई भी गुठली बाकी ना रहे। पोटैटोज अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, अब हम इनसे कटलेट तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने एक फ्लावर शेप का रिंग ले लिया है। रिंग इसलिए कि हमने कटलेट्स को 3 से 4 डिफरेंट शेप्स में तैयार करना है। यहाँ पे हमने 2 अंडे लिए हैं, इसको हम इसमें डिप कर लेंगे और इसके बाद हम इसको इस तरह से ब्रेड क्रम लगा लेंगे। ब्रेड क्रम मार्केट में आसानी से मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी पुरानी ब्रेड जो सख्त होती है उसको पीस कर इसका ब्रेड क्रम बना सकते हैं। अब हम एक हार्ट शेप में बना लेंगे। अब हम लास्ट में कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं।